Todd. बच्चों को कुछ भी हो गया ना मैं तुम लोगों को यहीं पे कच्चा चबा जाऊंगा। पापा नक्को जा चलो मेरी गोगी ने छोड़। ए बच्चों को हाथ मत लगाना। अरे मेलिया ना सोना। ओहो बिल्ली बनी शेरनी चूना लगा के। ओ सब लोग यहीं पर हैं। देखो अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम सब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पागला। अच्छा तो ये बात है। हाँ। अरे पापा पापा चला पापा अब बताओ। अब आएगा मजा। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तेरे पीछे देख पीछे। वो तेरे पीछे मंडरा रही है कुटकुटिया। नजर घुमा के देख। अभी बोलो कटकटिया। हाँ इंस्पेक्टर पटनी, मुजरिमों की बनाता हूँ चटनी। मैं तो यहाँ कब से आया था? कब से आ गए थे? लेकिन तुम्हें सबूत के साथ पकड़ना था इसलिए वहाँ छुप कर बैठा था। वेरी गुड। अच्छा इसलिए बार बार फोन काट रहे थे सोटी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत होशियार है। अभी इनको ना जाके ना चटनी बना देना अच्छे ढंग से। मैं तुम्हें लोगों को धमकाने बच्चों को उठाने और फिरौती मान के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मेरे पैसे नहीं भरे हैं। भाई जितना मुद्दल है उतना भर देंगे, लेकिन तुमने जो सर्विस टैक्स और वो ब्याज लगाया है ना वो नहीं भरेंगे। बराबर है। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे वो मैं तुझे अंदर समझाता हूँ। हवलदार मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल चल यार गेहूं चल चल। ए भैया जरा हंसते हुए जाओ क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। चूना लगा के बाय बाय टाटा। अरे वाह 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 इंस्पेक्टर पटनी अपना था कमाल कर दिया है। थैंक यू भाई थैंक यू। अरे ये तो रो रहे। अरे आप रो क्यों रहे इंस्पेक्टर पटनी? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जब कोई पुलिस को थैंक यू कहता है तो मेरी आंखें भर आती है। मेरा सपना है कि पुलिस की छवि को इस तरह से साफ रखो कि पुलिस का नाम लेते ही देशवासियों की छाती गर्व से तन जाए। हाँ। बेटा, सब पुलिस वाले अगर तेरी तरह सोचेंगे तो एक दिन ये खाकी रंग ईमानदारी का रंग बन जाएगा। बापूजी। हाँ बरोबर है। जी बापूजी, मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी। लॉकअप में बनाऊंगा इनकी चटनी। अब बात है। जाए। जाए। अरे सुनो देख बापूजी, आज मौका मिला है तो मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जमाने में जब हम एक रुपया कमाते थे तो उसमें से सिर्फ चार आने ही खर्च करते थे।
चार आने दवाई के लिए, चार आने दान धर्म के लिए और चार आने आने वाली मुसीबत के लिए संभाल के रखते थे। लेकिन आज के जमाने में लोग एक रुपया कमाने से पहले ही 1.5-2 रुपया खर्चा कर देते हैं और फिर उसकी भरपाई करने के लिए पूरी जिंदगी मरते रहते हैं। सही बात है। इसलिए जब भी खर्चा करो सोच समझ के करो। जी चाचा जी, बराबर है बापू जी। आज के बाद हम ये कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, क्यों मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है दया, अगर ढंग से इस्तेमाल करो तो ये कार्ड भी बुरी चीज नहीं है। और सही ढंग से मतलब जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। समझे? हाँ।